दोस्तों नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी, आ गया हूं एक और गेटेड सोसाइटी में। आपको आज दिखाने वाला हूं दोस्तों 100 गज में बना हुआ, फेसिंग इसकी साउथ रहने वाली है। आज का हमारा दोस्तों 2 BHK फ्लैट, बोथ साइड ओपन रहने वाले हैं और 123 एयरपोर्ट रोड से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली दोस्तों ये 500 से 600 मीटर रहने वाला है। इसमें हमारे पास कॉर्नर यूनिट भी अवेलेबल है, उसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड दोस्तों फ्लोर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों हमारे पास आपकी जैसी रिक्वायरमेंट बनेगी हमारे पास फ्लोर अवेलेबल हैं। आप एक बार इसके एक एलिवेशन, पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है, गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। और आज हम जो टूर करने वाले दोस्तों हमारा 100 गज का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ, वो साइड ओपन इन्वेंट्री है, वो आप जरूर कंसिडर करें। एयरपोर्ट रोड से सिर्फ दोस्तों 500 से 600 मीटर। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। देखिए बहुत प्यारा इसका एंट्रेंस डोर आ जाता है और ये देखिए, तो जैसे हम अंदर आते दोस्तों सबसे पहले हमारा ये आ जाता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो अगर मैं इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया की दोस्तों साइज की बात करूं तो देखिए बहुत बड़ा साइज है। डाउन सीलिंग इसकी बहुत प्यारी है दोस्तों, आप देखिए एक बार डाउन सीलिंग का व्यू। और 16x दोस्तों इसका अप्रॉक्सीमेटली 17 इसका साइज रहने वाला, बहुत बड़े साइज का है आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। देखिए पूरा व्यू, डाउन सीलिंग जैसी आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगी। और यहां आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन। किचन की साइज की बात करूं 7x7 इसका साइज रहने वाला है। एल शेप में आपको ये मॉड्यूलर किचन मिलती है। देखिए यहां पे हमारा सिंक आ जाता है, नॉइस प्रूफ, बहुत बड़ी विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, सारी प्रोविजनिंग आपको आरओ गीजर की करके दी जाएगी। ये स्पेस आ जाएगी हमारी चिमनी के लिए। और ये देखिए सारी किचन डबल लैमिनेटेड सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और ये देखिए डबल लैमिनेटेड है। तो ये था व्यू हमारा दोस्तों किचन का। तो आइए आपको दिखाता हूं एक बहुत बड़े साइज की दोस्तों हमें फ्रंट में मिल जाती है बालकनी। और ये देखिए आप देखिए एक बार बालकनी का व्यू। इसका जो साइज रहने वाला दोस्तों 14x5 का। तो ये आ गया हमारा फिर से ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। तो बहुत प्यारा दोस्तों, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया हमारा ये 2 BHK बोथ साइड ओपन फ्लैट रहने वाला है। तो आइए फिर चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। इसका जो साइज रहने वाला है 12.6x11 का। नीचे देखिए वुडन स्टाइल आपको फ्लोरिंग मिल जाती है, आपको इसमें टीवी पैनल मिल जाएगा, किंग साइज बेड लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा वॉलपेपर, डाउन सीलिंग देखिए इसकी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। वार्डरोब की बात करूँ दोस्तों, आपको वार्डरोब मिल जाते हैं इसमें रूफ हाइट तक, वो भी स्लाइडिंग के साथ। रूफ हाइट तक आपको ये स्टोरेज मिल जाती है। और इसके साथ ही आपको दोस्तों अटैच मिल जाएगा वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू। अगर वॉशरूम के साइज की बात करूं 6.6x5 इसका साइज रहने वाला है। पूरा दोस्तों रेडी टू मूव ये इन्वेंट्री है। और इस रूम में दोस्तों हमें एक्सेस मिल जाता है रियर कोर्टयार्ड का। तो ये हमारा रियर कोर्टयार्ड आ जाता है। 8x5 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाएगी, आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और आपको दोनों यहाँ वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन आपको यहीं पे मिलती हैं। और अगर कैमरामैन आपको ये बैक साइड की रोड दिखा दें तो ये बिल्कुल दोस्तों बैक साइड रोड लगती है। 30 फीट ये रोड रहने वाली है और बोथ साइड ओपन इन्वेंट्री बन जाती है। तो अगर आप बोथ साइड ओपन घर लेना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत रेयर इन्वेंट्री है दोस्तों, वो भी बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। तो जल्दी करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें हम आपको कॉर्नर यूनिट भी दे देंगे। तो आइए चलते हैं फिर हमारे सेकंड बेडरूम में। इसका जो साइज रहने वाला दोस्तों 12.6x11 का। तो ये देखिए डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और अगर बात करूँ बहुत ज़्यादा स्पेस है बेड लगने के बाद भी। और
यहाँ पे बहुत प्यारा वॉलपेपर आ जाएगा। डाउन सीलिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारी आपको इसमें डाउन सीलिंग मिल जाएगी और बहुत बड़े साइज के आपको स्लाइडिंग के साथ आ जाएंगे वार्डरोब। बिल्कुल इसी के साथ मैच करता हुआ हमारा आ जाएगा टीवी पैनल, आपका मिरर आ जाएगा हमारी माताओं बहनों के लिए, यहाँ पे विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, वही दोस्तों हमारा वेंटिलेशन रियर कोर्ट यार्ड है, और इसी के साथ आपका अटैच आ जाएगा वॉशरूम। आप देखिए वॉशरूम का व्यू, इसका साइज रहने वाला 6.6x5 feet। देखिए रूफ हाइट तक आपकी टाइल्स लगी हुई है, सीलन पपड़ी का कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बोथ साइड दोस्तों ओपन इन्वेंट्री होती है वो बहुत रेयर मिलती हैं, और ऐसा घर 100 गज में बना हुआ बोथ साइड ओपन, और देखिए कितना दोस्तों आपको ओपन एरिया फील हो रहा है। पूरे घर में डबल चार विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, बिल्कुल दोस्तों इटालियन मार्बल की लुक आ रही है। तो जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं मूवेबल आइटम इंक्लूड नहीं रहेंगी, बाकी आपका पूरा घर एज इट इज मिलने वाला। फैंसी लाइट, आपके सीलिंग फैन इंक्लूड नहीं रहेंगे। बाकी दोस्तों आप हमारे साथ बैठिए, ऑन द टेबल बैठिए, हम इस पर बहुत अच्छी आपको डील भी देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉर्नर यूनिट भी अवेलेबल है। हमारे पास दोस्तों पुरानी वीडियो में हमने आपको दिखाया था, हमारे पास पार्क फेसिंग यूनिट भी अवेलेबल है। आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप ट्राई सिटी में देख रहे हैं, आप हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में देख रहे हैं, आप हमें एक बार ज़रूर कॉल करें, हमसे एक बार ज़रूर डिस्कस करें, उसका रेट आप हमसे भी लें। हमारे पास दोस्तों सबसे अफोर्डेबल टू अफोर्डेबल रेट की कोठियाँ पड़ी हैं, मकान, दुकान, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। अगर आप इसकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टा पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमें ज्वाइन करें और आपको इस घर की शॉर्ट वीडियो वहीं पे मिल जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ये अलग अलग लोकेशन की वीडियो लेके आते हैं, सस्ती से सस्ती वीडियो, सस्ती से सस्ती इन्वेंट्री, सस्ते से सस्ता घर आपको मिलता है आपके अपने चैनल एस के एस रियल्टर पे ही। इसलिए सपोर्ट ज़रूर करें, और ये घर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों सारी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन आपको इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहां जाके जरूर चेक कर लें। और अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर दोस्तों अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर दोगे तो आपको भी दोस्तों किसी का भला हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।